नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो अभी आम का सीजन चल रहा है, तो मैं आम का अचार का रेसिपी शेयर की है और मैं खटमीठी का रेसिपी बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से एक कलकतिया आम बहुत ही अच्छा है, डेढ़ किलो के आसपास होगा, सवा डेढ़ किलो, मैं अंदाज से ही नहीं, एक किलो से ऊपर ही होगा। तो इसको चलिए फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, देखिए लोग पहले ही बना लेते लेकिन पहले अच्छा नहीं होता, पहले थोड़ा सा कठिन लगता है, अब इसका पूरा तैयार हो गया है। पहले इस तरह से मैंने सारे आम को देखिए कर ली, तो थोड़ा सा पकिए गया है और मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ। इस तरह से तो ज़्यादा पक चुका है, तो इस दोनों को मैं नहीं बनाऊंगी, तो इस दोनों का ही मैं बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने, ये भी तो पक ही चुका है फिर भी मैं बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा बनेगा इसका। तो अब मैं इसका चार मैंने पीस में काट कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पक चुका है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं पीस में काट लेते हूँ। इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से पीस में काट लीजिएगा और मैं सारे को पीस में काट लेती हूँ। सबसे पहले सारे को काट ले फ्रेंड्स और मैं इसको दो तीन पानी से धो लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारे को तीन चार पानी से वॉश कर लूँ फ्रेंड्स और मैं इसको धूप में सुखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारों को आधा घंटा जितना मैं धूप लगा देती हूँ, फिर मैं अगला प्रोसेस दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये आधा किलो के आसपास में होना चाहिए, डेढ़ किलो था तो उसमें तो दो ठो पका ही था, दो ठो है तो आधा सौ 500 ग्राम और 700 ग्राम के बीच में ये होगा। तो ये आम के धो करके मैं सुखा ली, ऐसे छिलका उतार करके एक डेढ़ घंटा धूप लगा ली है और ये थोड़ा सा हल्दी हो गया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, ये 5 फोरन है। तो आपको हो गया मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा और मगरायला और ये नमक है 50 ग्राम के आसपास और ये 500 ग्राम जितना चीनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें ये 5 फोरन को थोड़ा सा मैं गर्म कर लेती हूँ। गरम करने से इसका मिक्सर जो है सो खत्म हो जाएगा। मैं गैस जला ली हूँ, पैन को डाल दी हूँ। तो सबसे पहले 1 मिनट ज़्यादा नहीं भुनी, तीखा हो जाएगा थोड़ा सा गर्म कर। तो इस तरह से मैंने इसको भून ली है, थोड़ा गर्म किए 2-3 सेकेंड। अब मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। अब ये पैन गर्म है, इसमें मैं सबसे पहले चीनी को डाल देती हूँ। 500 ग्राम जितना चीनी है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और चीनी पड़ेगा, थोड़ा सा कम है, 500 ग्राम से थोड़ा कम है, थोड़ा सा ऊपर मैं ऊपर से डालूंगी। उसके बाद ये आम को मैं डाल देती हूँ, एकदम मिनिमम पर मैं गैस कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं चीनी ऊपर से भी डाल देती हूँ। ये 500 ग्राम जितना चीनी हो गया और ये मसाला है, जब चीनी थोड़ा सा पघल जाएगा तो मैं मसाला डालूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये खोल रहा है, इधर मैं थोड़ा सा दरदरा कूट ली हूँ, थोड़ा सा साबुत रखी हूँ और मैं थोड़ा सा जब ये खौलने लगा तो इस स्टेप में थोड़ा सा हींग का मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें अचार में ना हींग बहुत ही अच्छा होता है, तो ये थोड़ा सा मैं हींग भी डाल देती हूँ। ये इधर हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए इतना खोल चुका है। अब इस स्टेज पर ये नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। हींग मैं डाल दी हूँ और इसको फिर थोड़ा देर मिला लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है और ये आधा मैं दरदरा कूटी हूँ, आधा मैं साबुत रखी हूँ। ये देखिए इसको भी मैं अब डाल देती हूँ इसी में और थोड़ा देर और मैं पकाती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से इतना अच्छा से खोल रहा है, पक रहा है। अब इस स्टेज पर आप लोग जब पक जाए थोड़ा देर और लगेगा तो इस स्टेज पर गैस बंद कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये लगता है कि जैसे रसगुल्ला जैसे फूल गया है, एकदम रसभरी जैसे, कितना सुंदर बना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये पक चुका है, 10 मिनट के जितना लगा है पकने में और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर है, मिठाई जैसे लगता है, रसभरी जैसे लगता है फूल करके, देखिए ना लाल लाल कितना सुंदर है फ्रेंड्स। तो अब चलिए अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ इस स्टेज पर। आप लोग जब पक जाए ना तब गैस बंद कीजिएगा, थोड़ा सा देख चेक कर लीजिएगा। मैं गैस बंद कर दी, अब ये ठंडा होने के बाद मैं सर्व करूँगी।
ठंडा होने में इसको टाइम लग जाएगा, दो दिन, दो घंटा डेढ़ घंटा के बाद मैं शीशा में सर्व करूंगी, तब आपको दिखाऊंगी शीशा में पैक करके। तब ठंडा होने के बाद ही आप लोग रखिएगा, नहीं तो खराब होने का डर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप लोग बनाइए। अब मैं इसको एकदम शीशा के बर्तन में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एकदम सूखा हुआ अच्छा सा क्लीन बर्तन है। तो अब मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने खट मीठी, मैं तो ज़्यादा आम ली थी लेकिन दो ठो पका हुआ था, तो ये 750 ग्राम का है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने बना करके सारे खट मीठी को पैक कर ली हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग भी बनाइए और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये खट मीठी बनाने में ज़्यादा कोई चीज़, थोड़ा सा पानी से सिर्फ बचाना है। आम को छील करके अच्छे से धूप में सुखा लीजिएगा, और सूख जाने के बाद जितना आम लीजिएगा ना उतना ही चीनी डाल लीजिएगा। और 1 किलो आम में ना आप 100 ग्राम जितना नमक डालिएगा, उससे थोड़ा कम हो तो वो ज़्यादा नहीं हो। और थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिएगा, मिर्चा अपना कटिंग डाल दीजिएगा, और बस उसमें पानी से बचाना है। इस तरह से देखिए, जब आम पक जाए तो बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप पकाइए दोस्तों। मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय।